बाहर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार्ड देख रहे हैं, मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। डेली व्लॉग मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बनाना कभी कभी, आज भी बहुत लेट हो गया और व्लॉग भी मुझे लगता है बहुत लेट अपलोड होगा, तो इस सब के लिए माजरत, बहुत बहुत माजरत। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो जनाब हमारा शुरू करते हैं, इधर ही से शुरू करते हैं, इधर से यूँ जाएँगे और सारे गाड़ियों की आप लोगों से मैं डिटेल्स शेयर करूँगा और बताऊंगा आप लोगों को। एफएक्स जो है जनाब अली, हमने इसके फाउंडेशंस वगैरह सेट कर दिए थे। अब गाड़ी में दोबारा से पेंट का काम, चूँकि हमारा पेंटर जो था वो नहीं था, वो आ चुका है, तो अब इसमें एफएक्स में दोबारा से पेंट का काम शुरू हो गया और उम्मीद है इंशाल्लाह इसको हम जल्दी वाइंड अप करेंगे। इसमें सिर्फ पेंट है और इंजन का काम है। ये कल्टस थी हमारे पास पेंट होने के लिए आई थी, तो बाहर से ये उन्होंने गाड़ी पेंट कर दी है और कंडीशन माशाल्लाह से आपके सामने फिनिशिंग गाड़ी की। इसके अलावा जी ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बाहर से इसको अब हम पेंट करेंगे, अंदर से हमने पेंट कर दिया है, सारी चीज़ों की फिटिंग्स वगैरह हो गई हैं, बाहर से अब हमने इसको पेंट करना है, तो ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पेंट हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया सियालकोट से, इसमें डेंट पेंट का काम है, इंजन कुछ रिस्टोरेशन है, इसी जो है काफ़ी सारे जो मसले मसाइल हैं गाड़ी के, सस्पेंशन के, पावर विंडो, पावर एसी वगैरह, ये सारे काम इसके हैं, टोटल रिस्टोरेशन है गाड़ी की, तो उसका काम चल रहा है। इसके अलावा ये जो कल्टस है ये पेंट शेंट सारा कुछ हो गया है, मैकेनिकली गाड़ी तकरीबन हो गई है। अब इसमें बाकी जो है रूम के काम शाम हैं, इस तरह के काम शाम हैं वो हमने करने, पेंट हो गई है गाड़ी। इसके अलावा विड्स का कंप्लीट हो गया सारा कुछ, और ये दूसरा चैनल जो है मेरे नाम से सैयद शहाब शाह के नाम से, उसके ऊपर आप लोगों से, आप लोगों को इसके व्लॉग सारे मिलेंगे। गाड़ी माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरी डिटेलिंग गाड़ी की हो गई है, तो गाड़ी बहुत बेहतरीन हो गई है। मैं आपको गाड़ी एक नज़र दिखा भी देता हूँ, जो भाई ये इस चैनल पर ये देखते हैं तो ये उनके लिए है। ये देखें जी गाड़ी अंदर से वो टिप टॉप हो गई है, बेहतरीन हो गई है। सो इसके अलावा जी ये हमारे पास एक अदद अल्टो आई है कन्वर्जन के लिए, और इसमें हम इंजन स्वैप कर रहे हैं 660 सीसी, जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं। और ये है जनाब अली इंजन के हालात, ये अभी साफ़ सफाई इसकी होगी, फिर नया इंजन जो है उसके अंदर हम डालेंगे। और ये हमारे पास जो मैनुअल 660 सीसी की कन्वर्जन थी, तो ये उसका काम चल रहा है सारा, और पेंट शेंट का काम इस वक्त इसमें चल रहा है। ये भी गाड़ी हमने बाहर से पेंट करनी है, बाकी सब कुछ हो गया है इसमें। हमने डैशबोर्ड लगा दिए जैपनीज़, और इसके अलावा बाकी भी सारी फिटिंग्स वगैरह हो गई हैं। इस तरफ आएँ तो ये हमारे पास ये एफएक्स है, इसमें हमने इंजन की सेटिंग्स हम कर रहे हैं इस वक्त, और फाउंडेशन इंशाल्लाह कल तक कम्प्लीट हो जाएंगे। इंजन हमने वापस इसमें से उतार दिया था, कुछ सेटिंग वगैरह बनाई है थोड़ी बहुत। एफएक्स में ये है कि बोल्ट ऑन नहीं आता, तो हमें कुछ फिटिंग्स की बनानी पड़ती है। पहले ज़रा 1-2 इंच का फ़र्क आ रहा था ऊपर बॉनेट के साथ, जो कि अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा रहे हैं, तो ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कल तक वो जो है वो सारी हम फिटिंग्स वगैरह कर देंगे। इधर इस तरफ आते हैं तो मैनुअल महरान 660 सीसी की फिटिंग्स वगैरह हो गई हैं, सारा कुछ एक्सल्स भी बन के आ चुके हैं, लेकिन अब ये हमने लगाने हैं और
गाड़ी स्टार्ट करनी है, वायरिंग वगैरह गाड़ी की तैयार हो चुकी है, और कल्टस जो है कल्टस रेडी खड़ी है, कोरे जो है वो भी रेडी हो गई है, लेकिन इसमें भी मैं फारिग नहीं हो रहा, थोड़ा सा मसरूफ़ था, लेकिन ये भी ये है कि इसकी थोड़ी साफ़ सफाई गाड़ी की करनी है हमने, और फिर इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद इसमें देखेंगे कि व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँगा मैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह, इसकी पिक सारा कुछ वो हर एक चीज़ की आपको अपडेट देंगे। ड्यूड का आपको बताते हैं, इसके अंदर हम केफ इंजन डाल रहे हैं मीरा का, ठीक है। सो ये हमने इसमें कुछ पेंट शेंट का काम किया है, और इसके अलावा इंजन की जो फिटिंग्स हैं उसके काम सारी सेटिंग करनी है, वायरिंग करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। उस दिन मैंने आपको अल्टस का बताया था, तो अल्टस का सीन यूँ था कि उसके अंदर हमने वायरिंग की, गाड़ी वो सामने खड़ी है, उसमें हमने वायरिंग की सारी, और दोबारा से सारी वो उसमें से गन्स हैं वो आपने देखा ही। उसके बाद गाड़ी के अंदर जो कि गियर लगा हुआ था वो गियर ऑलरेडी रिपेयर्ड था, उसमें वॉल बॉडी हमने टोटली उसमें से चेंज कर दी, ठीक है। गियर जो स्पेशलिस्ट हमारा लड़का है उसके पास गई गाड़ी, उसने सारी गियर का वो सारा कुछ अंदर से खोला, ऑयल हमने चेंज किया, चैम्बर साफ़ सफाई किए, वॉल बॉडी का सेंसर जो था एक कंप्लीट वॉल बॉडी हमने चेंज कर दी, और एक सेंसर था वो इसका ख़राब था वो चेंज कर दिया, उससे गाड़ी की ड्राइव में काफ़ी स्मूथनेस आई, काफ़ी बेहतरी आई। गाड़ी अब पहले तकरीबन 3.5 आरपीएम 3.5-4 आरपीएम पे गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही थी, अब तकरीबन 1.5 से 2 आरपीएम पे गाड़ी गियर शिफ्ट कर रही है। सो वो ऑलरेडी रिपेयर्ड गियर था, बहरहाल हमने उसको सारा खोल के उसको सारा सेट किया दोबारा से, फारी काफ़ी हुई उसके ऊपर मेहनत, पिछले 3 दिन से गियर वाला लड़का वो बेचारा वो उसी के ऊपर लगा हुआ था। तो अब यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी गाड़ी ड्राइव भी की है, तो उसका एक छोटा सा क्लिप है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ, वो भी अटैच करता हूँ, तो आप इंशाल्लाह रिजल्ट्स देखेंगे और आपको पसंद आएगा सारा। तो बहरहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं वीडियो अटैच कर रहा हूँ अल्टिस की ड्राइव की भी, और बाकी इंशाल्लाह कोरे के मुतालिक अब आगे व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह, मज़े मज़े के व्लॉग्स आएंगे। ये भी फ़िलहाल मेरी यूज़ में है गाड़ी, तो फ़िलहाल इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मज़ीद इसके व्लॉग्स शेयर करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज। ये बढ़िया लग शुरू हो चुकी है, पंद्रह मफ्त लग चलो लगवा 3-4 किलोमीटर। ये असीब भाई देखें गाड़ी माशाल्लाह, ठीक है। अब आप आरपीएम देखें गाड़ी के, गाड़ी अभी 40 पे जा रही है, शिफ्टिंग काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई है, बेहतरीन हो गई है। अब आरपीएम देखें, आरपीएम किस वक्त इधर इस वक्त तकरीबन हम 150 पे जा रहे हैं, गाड़ी चली गई 60 पे, पहले जो होता था वो 3-3.5 पे होता था।
है गाड़ी माशाल्लाह, किक बैक सारा कुछ बिल्कुल अपने टाइम पर है, गाड़ी माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन है।